आज हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। टाइप वन में हम देखते हैं, सपोज एक्स प्लस टू इक्वल टू सिक्स है, इस टू को राइट की तरफ शिफ्ट कर दें और इसका साइन चेंज कर दें, ये हो जाएगा x इक्वल टू सिक्स माइनस टू, जो हो जाएगा x इक्वल टू फोर। हम दूसरा सवाल देखते हैं, x प्लस एट इक्वल टू ट्वेल्व, इसमें भी इस एट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा और ये बन जाएगा x इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एट, जो बनेगा x इक्वल टू फोर। अगला सवाल देखते हैं, x माइनस फाइव इक्वल टू थ्री, यहाँ पर इस फाइव को राइट के साथ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू थ्री प्लस फाइव या फिर x इक्वल टू एट। हम अगला सवाल देखते हैं, x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, इसको हम राइट की तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाता है x इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स। इसका मतलब हुआ सिक्स में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू थ्री। हम दूसरा टाइप देखते हैं, इसमें जैसे सवाल है हमारा 2x माइनस सेवन इक्वल टू सपोज 5, इसमें से 7 को राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 7, जो कि 12 हो जाएगा, तो हम कहते हैं 2x इक्वल टू 12 या फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 3x माइनस फाइव इक्वल टू सपोज 4 है, इसमें से 5 को पहले राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है 3x इक्वल टू 4 प्लस 5, जो कि 9 हो गया, तो हम लिखते हैं 3x इक्वल टू 9, अब इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड में तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 अपॉन 3, जो कि 3 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, सपोज 5x माइनस एट इक्वल टू सपोज ये हमारा 27, तो इसमें से 8 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5x इक्वल टू 27 प्लस 8, जो बन गया 5x इक्वल टू 35। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 5, जो 7 बन गया। अगला टाइप देखते हैं, टाइप थ्री है, सपोज 5x इक्वल टू 50, यहाँ पर हम केवल इसको इस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15 बाई 5, जो 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7x इक्वल टू 21, इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 21 अपॉन 7, जो 3 बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं, इसका मान लो 4x इक्वल टू 8 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4, जो 2 हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4, सपोज x अपॉन 4 इक्वल टू 3 है, ये 4 यहाँ डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 4, जो कि बनेगा x इक्वल टू 12। दूसरा सवाल देखते हैं, x अपॉन 5 इक्वल टू 8, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा हो गया x इक्वल टू 8 इंटू 5 या फिर x इक्वल टू 40 बन गया। अगला देखते हैं, सपोज x अपॉन 3 इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर फिर से 3 का इधर 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 9 इंटू 3, जो देगा x इक्वल टू 20।
7। एक टाइप और देखते हैं, टाइप 5। सपोज 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले हम 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम इस 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा x इक्वल टू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, जो 16/3 बना रहेगा। एक और सवाल देखते हैं, 5x बाई 7 इक्वल टू 8। सबसे पहले 7 का हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 5x इक्वल टू 7 इंटू 8, अगली लाइन में हम 5 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 5, या फिर x इक्वल टू 56/5। थैंक यू।